लगा लिया इसकी टांगों पे, और इनको मैं अब ऐसे नीचे एक हाथ हमारा जो होता है पैरों के नीचे, जो दूसरे वाला हाथ होता है इसको ऊपर ऐसे करके अच्छे से यहाँ पे मसाज करनी होती है। 7 से 8 बार हमें ऐसे इसी प्रोसेस को रिपीट करना होता है। आप ऊपर से नीचे भी ऐसे कर सकती हूँ। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मजे में होगे। तो भाई आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बच्चों की रात को मसाज हमें किस तरीके से करनी चाहिए। बच्चों को रात की मसाज करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बिकॉज वो दिन भर में बहुत ज्यादा खेलते कूदते भागते इधर उधर, तो इनकी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। तो इसलिए अगर हम उनके अच्छे से मसाज करते हैं तो वो आराम से, उनको अच्छे से नींद आती है और वो आराम से अपना सो जाते हैं। तो दोस्तों मसाज करने से पहले बच्चों को खेल में लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी मसाज करने में अच्छा लगता है। अगर बच्चा रोता रहता है तो मसाज करने का कोई फायदा नहीं रहता। और मैं इसको यहाँ पे ऐसे खेल में लगा रही ताकि ये खेल में लगी रहे। और तो चलिए यहाँ पे मैं बेबी की टांगों को मैंने यहाँ पे अच्छे से ले लिया है, और इसकी दोनों टांगों को यहाँ तक, और इसकी दोनों टांगों पर अच्छे से यहाँ पे हमें मसाज ऑयल लगाना है यहाँ पे, और फिर मसाज करनी होती है। यहाँ पे मैंने भाई अच्छे से यहाँ पे ऑयल लगा लिया है इसको, और मैं अब इसकी करने वाली हूँ अच्छे से यहाँ पे मसाज। मानो यहाँ पे ऑयल लगा लिया है इसकी टांगों पे, और इनको मैं अब ऐसे नीचे एक हाथ हमारा जो होता है पैरों के नीचे, जो दूसरे वाला हाथ होता है इसको ऊपर ऐसे करके अच्छे से यहाँ पे मसाज करनी होती है। 7 से 8 बार हमें ऐसे इसी प्रोसेस को रिपीट करना होता है। आप ऊपर से नीचे भी ऐसे कर सकते हो। बेबी की जो ये लेग होती है ये जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी इतनी ही ज्यादा अच्छी रहती है। कहाँ जा रही है मायरा, लेट बेटा। और देख सकते हो आप मसाज कराते वक्त बच्चों के नखरे इतने ज्यादा हो जाते हैं, बस पूछो मत। ये जैसे छोटे होते हैं तो मसाज करवा लेते हैं, लेकिन जैसे 1 साल से ज्यादा हो जाते हैं, जैसे थोड़ा बहुत चलना आता है ना तो इनके नखरे बढ़ जाते हैं मसाज कराते वक्त। और यहाँ पे मेरी टांगों की जो मसाज है पूरी हो चुकी है, उसके बाद जो ज्वाइंट होता है इसको भी अच्छे से यहाँ पे ऐसे गोल गोल डायरेक्शन में हमें मसाज करनी होती है। जो प्रोसेस हम एक लेग पे करेंगे वही दूसरी लेग पे ऐसे ही करना है, हमें दूसरी लेग पे भी ऐसे ही। मानो हुको क्या दू, क्या दू, ऐसे ऐसे चिटिका तू पैर चिटिका तू कर दू सिर पर बाबा। उसके बाद इसकी बारी आती है भाई तलवों की, तलवों की मसाज भी हमें अच्छे से करनी होती है। और वैसे भी रात को अगर हम पैरों के तलवों पे अगर सरसों का तेल हम लगा के सोते हैं तो हमारी जो आई साइड होती है वो मजबूत होती है, तेज होती है, मतलब अच्छे से दोनों पैरों पे के तलवे पे यहाँ पे अच्छे से ऑयल लगाना होता है हमें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसकी दोनों पैरों के तलवों को मसाज करनी होती है डेली। आप इसको ऐसे ही रात को मसाज करा के मतलब खिलाओगे तो इसकी जो दिन भर की जितनी भी थकान है वो सारी मतलब ठीक हो जाएगी। अभी इसका कराने का इतना ज्यादा मन भी नहीं है, और मैं इसी वीडियो को चलो कुछ एक्सरसाइज में आप लोगों को बताती हूँ। ऐसे ए करो, ए डिशुम मायना नानी कूल हो रहा है, कूल हो रही है मायना नानी। ए अब अच्छा लगा। ए ए ए दिशुम हाथ इसको दूर करो। ए ए ए दिशुम दिशुम ऊपर तो नहीं रही सीन किस तरह। रुक तो जा भावे से। दोस्तों यहाँ पे मायरा की जो टांगों की मसाज है जो टोटल कंप्लीट हो चुकी थी, और लास्ट में मैं इसके जो सिर की मसाज कर रही हूँ। सिर की मसाज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज इस उम्र में ना बच्चा जैसे बोलना शुरू करता है तो उसके सिर में ना थोड़ा सा दर्द वगैरह रहता है, जैसे कानों के ऊपर जैसे ये नशे होती है ना, तो ये इनमें बहुत ज्यादा दर्द रहता है। जैसे हम भी बड़े लोग भी जैसे ज्यादा बोल लेते हैं उस दिन हमारे सिर की नशे कैसे चब चब मतलब करने लग जाती है, तो वैसे ही जैसे बेबी स्टार्टिंग में कुछ कुछ वर्ड जैसे बोलना शुरू करता आ बा बा सारा दिन माँ बा बा ऐसे कहता रहता है तो उसकी ना सिर की जो नसें है ना वो ना दुखने लग जाती है। इसलिए ना उसकी सिर की मसाज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आप उसके सिर पे चंपी वगैरह हल्के हल्के हाथों से कर सकते हो, जैसे उसको सुहाई, ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और एक कमेंट करके भी बताना भी आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।